सांसें रोक देने वाले क्वालिफायर वन मुकाबले में किसने मारी बाजी? चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने कैसे मचाया बल्ले से कोहराम? जाडेजा की तूफानी बल्लेबाजी पर कैसे झूमे फैंस? महेंद्र सिंह धोनी ने कितने रन बनाए? और इस लक्ष्य का जवाब देते हुए शुभमन गिल ने कितने रन बनाए? रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में किसने की जीत हासिल? दिखाएंगे रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहले क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात और चेन्नई जैसी टीमें आमने सामने थी। एक तरफ हार्दिक पांड्या थे तो दूसरी तरफ दुनिया के महान कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी थे। मुकाबला सांसें रोक देने वाला होना था, इसमें कोई शक नहीं था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि एक अहम मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने फिर से टॉस जीत लिया था। चेन्नई के दोनों ही धाकड़ ओपनर बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आपको बता दें, मुकाबले में सबसे ज्यादा रन चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए। इस खिलाड़ी ने 44 गेंदों का सामना करते हुए 60 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का भी लगाया। ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेवोन कॉनवे ने 34 गेंदों में 40 रन की पारी खेली। कॉनवे ने अपनी पारी में 4 चौके लगाए। हालांकि इस मुकाबले में डेवोन कॉनवे की बल्लेबाजी काफी धीमी रही। एक अहम मुकाबले में शिवम दुबे कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। बता दें, दुबे केवल 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने 10 गेंदों में 17 रन तेजी से जरूर बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 1 चौका और 1 छक्का भी लगाया, लेकिन वो भी आउट हो गए। अंबाती रायडू ने भी 9 गेंदों में 17 रन की पारी खेली। अंत में आकर सर जडेजा ने 16 गेंदों में 22 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। आपको बता दें, माही इस मुकाबले में केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। मोहित शर्मा की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी का कैच हार्दिक पांड्या ने पकड़ा था। मोइन अली ने 4 गेंदों में 9 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 1 छक्का भी लगाया। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात के सामने 173 रनों का लक्ष्य रखा था। गुजरात के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। मोहित शर्मा ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट लिए। दर्शन नालकंडे, राशिद खान और नूर अहमद को 1-1 सफलता हाथ लगी। अब गुजरात को फाइनल में पहुंचने के लिए 173 रन बनाने थे। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की दमदार जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी। पिछले कुछ मुकाबलों से लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने इस मुकाबले में भी दमदार शुरुआत कर ली। दूसरे छोर पर साहा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिककर बल्लेबाजी कर नहीं पाए और हमेशा की ही तरह एक बार फिर से दीपक चहर ने चेन्नई सुपर किंग्स को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की चतुराई के आगे उनकी एक न चली। हार्दिक पांड्या भी 7 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या को मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद शुभमन गिल का साथ निभाने आए श्रीलंकन बल्लेबाज दसुन सनाका। ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाने के लिए जाने जाने वाला यह खिलाड़ी आते ही 1 चौका और 1 छक्का लगाकर 17 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था। लेकिन दोस्तों, सर रविंद्र जडेजा की स्पिन गेंदबाजी के आगे सनाका ने भी घुटने टेक दिए। हालांकि दूसरे छोर पर शुभमन गिल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 30 गेंदों में 35 रन बना लिए थे। बता दें, गिल ने अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का भी लगाया। 74 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या की टीम ने 3 विकेट गवा दिए थे। गुजरात को जीत के लिए अभी भी 55 गेंदों में 99 रनों की दरकार थी। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की बात करें तो दीपक चहर ने 3 ओवर में 22 रन देकर 1 सफलता अपने नाम किए थे। महेश तीक्ष्णा और जाडेजा ने भी 1-1 विकेट अपने नाम किया। चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिन गेंदबाजों ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस साल का IPL कौन सी टीम जीतेगी? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।